Zombie apocalypse. असलम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हो उसामा राजपूती यूट्यूब चैनल। तो बस आज के शो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और ट्रेंडिंग नेमट वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जिसका किस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। तो यहाँ पे किस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ कि जेड़े कहते तेनू अगे लंघन नहीं देना, जब साडा टाइम आया असी खंगन नहीं देना। तो कि जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा कि आप ही चाहते हैं कि आप इस तरीके का एक ट्रेंडिंग स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो के अंत तक लास्ट में देखनी होगी। तो चलिए इस मेरे एडवेज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सा पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना, इमेज साइज के जो सा आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आपको चूज़ करके ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। न्यू टेक्स्ट के ऊपर गिज़ आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गिज़ आपको अपना नेम है वो गिज़ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसमें यहाँ पे अपने चैनल नेम ऐड कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा इंक्रीज करूँगा और यहाँ पे कि इसमें जाऊँगा फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे कि जो सा फ़ॉन्ट है वो इसमें एक चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, अमेरिका का। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं कि जो सा इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया तो छोटा कर लेते हैं, तो ये कि जो सा मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब इस आपको रेडी टू पोजिशन के ऊपर जाकर इसको आपने बिल्कुल मिड में ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे कि आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाके कलर गई जो सा आपने इसका यहाँ पे ब्लैक चूज़ कर लेना है। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकॉन के ऊपर जाके फ्रॉम गैलरी से कि आपको एक इमेज ऐड कर लेनी है, इमेज, तो ये इमेज जिसकी इसमें यहाँ पे ऐड कर ली है। अब मैं कि जो सा इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड करूँगा, साइज़ कई जो सा थोड़ा इसका इंक्रीज़ कर लेते और ये कई जो सा यहाँ पे इस नेम के ऊपर ऐड कर लेते, तो ये कई जो सा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। कराउन इतना ही बहुत है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे कि जो सा मैं तीन इमोजी है अपनी पसंद से वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये तीन इमोजी कि जो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और साइज इसका थोड़ा छोटा रख लेते हैं और इसका थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसको भी कि जो सा मिड में ऐड कर लेता हूँ मैं, ये मिड में ऐड हो चुका है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे भी जो मैं एप्पल इमोजी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, कस्टम की जगह अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी के ऊपर गिज़ आपको क्लिक कर लेनी है। अगर आपको वापस बैक जाना है, अगर आपको यहाँ पे क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पे गिज़ आपको सर्च टैब के ऊपर सर्च करना है फ्लैग व्यूअर, ठीक है। फर्स्ट के ऊपर आपको आएगी वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना है। अगर आपने इसको अपनी डबल फिंगर से गिज़ आपने इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे गिज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, फाइल का ऑप्शन आएगा सबसे पहले और फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे की आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर और ब्राउज़र के ऊपर जाके यहाँ पे कि आपको एक इमेज ऐड कर लेनी जो उसी की आपने क्रिएट की थी, तो और कर लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने ये वाली की थी, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे करना है क्या, नीचे जाना है, नीचे की आपको ये विंड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से गिज़ आपने जो इसकी स्पीड है वो गिज़ आपको 13 के करीब इंक्रीज़ कर लेनी है। उसके बाद गिज़ आपको यहाँ पे नीचे आएगा बैकग्राउंड क्लासिक की जगह गिज़ आपको कस्टम करना है, कस्टम की जगह गिज़ आपको यहाँ पे कलर गिज़ आपको जो है यहाँ पे ग्रीन चूज़ कर लेना है, ठीक हो गया। देन गिज़ आपने यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। क्रॉस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गिज़ आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरीके से। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे गिज़ आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद गिज़ आपने इसको 10-15 सेकंड के लिए गिज़ आपको कर लेना है, ठीक है। 10-15 सेकंड के लिए गिज़ आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद गिज़ आपने वापस बैक के ऊपर चले जाना है। बैक के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गिज़ आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने किस तरीके से करनी है। ऑलरेडी किस मैंने की हुई है, तो यहाँ पे गिज़ आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी 24 सेकंड में, ठीक है। 24 सेकंड के लिए आपने गिज़ 10-15 सेकंड जितनी भी गिज़ आपको करनी हो गिज़ आपने कर लेनी है। उसके बाद गिज़ आपने अब इसको एडिट कर लेना है और एडिट गई जो मैं इसको काइन मास्टर के ऊपर कर ले गए, तो यहाँ पे गई जो मैं काइन मास्टर इसका ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले गिज़ आपको यहाँ पे काइन मास्टर ओपन कर लेना है। 9:16 की गिज़ आपको स्क्रीन चूज़ कर लेनी है। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज ऐड कर लेनी है स्काई की, ठीक है, ये गिज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। साइज़ गई जो मैं इसका 10 सेकंड के करीब इसे रख लूँगा जितनी की हमारी ऑडियो होगी। अब मैं किस यहाँ पे वो वीडियो ऐड करूँगा जो कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर रिकॉर्ड की थी। और यहाँ से गिज़ आपने अब करना कि यहाँ पे देख लेना कि कहाँ से गिज़ आपकी असल वीडियो स्टार्ट हो रही है, बाकी अगर जो उसे एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको गिज़ आपने ट्रिम करके उसको गिज़ वापस ऐड कर लेना इस तरीके से, ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ पर इसको थोड़ा भरा लेते हैं ताकि नज़र आए ठीक तरीके से।
यहाँ से गीज़ आपने क्रॉपिंग के ऊपर जाना है और यहाँ से गीज़ आपने इसका एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी होगा सारा गीज़ आपने इसको रिमूव कर लेना है। ठीक हो गया, ये गीज़ यहाँ से रिमूव हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग गीज़ आपको पता है, अगर गीज़ आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो गीज़ आप प्ले स्टोर से कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बार ये जाती है यहाँ पे क्रोमा की, तो यहाँ से गीज़ इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद इसकी गीज़ उसे यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह कर लेनी है ताकि साइडों के ऊपर जो सा ग्रीन कलर है वो भी रिमूव हो सके। अब गीज़ आपने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद बैक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे गीज़ आप देख सकते हैं हमारी गीज़ उसे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल ठीक तरीके से हमारी क्रिएट भी हो चुकी है। अब गीज़ आपने यहाँ से गीज़ आपने इसको 1080 के ऊपर एक्सपोर्ट कर लेना है और यहाँ से ये सेव हो रही वीडियो। अब गीज़ आपको यहाँ पे एक कैपकट की टेम्पलेट यूज़ करनी है, तो चलते गीज़ कैपकट की टेम्पलेट के ऊपर, उससे पहले गीज़ ये वीडियो सेव हो जाए। डिस्क्रिप्शन के अंदर गीज़ मैं आपको इस तरीके से टेम्पलेट लिंक ऐड करूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको गीज़ आपने ओपन कर लेना है। ये रहा, यहाँ से गीज़ उससे मैं ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से गीज़ आपको डायरेक्ट ओपन कर लेना है। जैसे गीज़ आप ओपन करेंगे ये गीज़ आपको कैपकट की एक वेब के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, नीचे गीज़ आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा यूज़ टेम्पलेट इन कैपकट, तो इसके ऊपर गीज़ आपको क्लिक करना है। यहाँ से गीज़ आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा कैपकट के ऑनलाइन एडिटर के ऊपर, तो नीचे गीज़ आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा यूज़ टेम्पलेट का, तो इसके ऊपर गीज़ आपको क्लिक करना है। और यहाँ से गीज़ आपने वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो है वो गीज़ आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी जो से गीज़ आपने एडिट की थी, तो यहाँ पर इसमें ये रही जो से गीज़ हमने एडिट की थी कैपकट के ऊपर। ठीक है, सॉरी काइन मास्टर के ऊपर, तो यहाँ से गीज़ उसे प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे गीज़ आप देख सकते हैं हमारी गीज़ उसी यहाँ से वीडियो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब गीज़ आपको यहाँ पे खाली एक्सपोर्ट कर लेना है और बाद में गीज़ आपको अपनी पसंद का कोई सा भी साउंड भी यूज़ कर लेना है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से गीज़ आपने जो इसकी एक्सपोर्ट साइज़ है वो गीज़ अगर हो सके तो गीज़ आपको 2K के ऊपर कर लेना है। ठीक है, 2K के ऊपर, या फिर गीज़ आप 1080 के ऊपर भी रख सकते हैं। 10 के ऊपर गीज़ आपको क्लिक करना है, उसके बाद गीज़ आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क के ऊपर आपको क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से गीज़ आप जो एक ट्रेंडिंग नेम आउट वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।